वालेकुम जी सब कैसे हैं उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे आज की जी रेसिपी है चिकन पकोड़ा चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले जी हम लोगों को 500 ग्राम चिकन चाहिए ठीक है जी उसके बाद वन टी स्पून सीड्स पाउडर हाफ टी स्पून टमेरिक पाउडर वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट वन टी स्पून सूखा धनिया पाउडर वन टी स्पून चिली फ्लेक्स, वन टी स्पून रेड चिली पाउडर और जी वन टी स्पून क्रश्ड गार्लिक उसके बाद जी वन टेबल स्पून बेसन और वन टेबल स्पून ठीक है जी चलें जी अब हम लोगों ने चिकन के अंदर सारे स्पाइसेस डालने हैं ये गया जी कॉर्नफ्लायर um, बेसन और सारे स्पाइसेस <coughs> अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ये जी मिक्स हो गया ठीक है जी अब हम लोगों ने इसको टू आवर्स के लिए मैरीनेशन के लिए छोड़ना है फ्रिज में ठीक है जी दो घंटे बाद मैं इसको आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें जी दो घंटे गुजर गए जब चिकन मैरीनेट हो जाएगी उसके बाद हम लोगों ने वन टेबल स्पून धनिया को छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल देना है ठीक है जी उसके बाद हम लोगों ने दो कप ऑयल लेना है उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन के पीसेस आराम आराम से रखते रहने हैं और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने पंद्रह मिनट तक पकाना है ठीक है जी फिफ्टीन मिनट्स हम एक साइड से पकाएंगे और फिफ्टीन मिनट्स एक साइड से पकाएंगे तो टोटल थर्टी मिनट्स में ये पूरा अच्छी तरह से ना चिकन इसकी टेंडर हो जाएगी ठीक है जी फिफ्टीन मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है और फिफ्टीन मिनट्स दूसरे साइड से पकाना है ये देखें जी पंद्रह मिनट के बाद चिकन दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगी हम लोगों ने चूल्हा बंद करना है और इसको डिश आउट कर लेना है ठीक है जी और ये चिकन पकौड़ा रेडी स्टेडी गो है ये थी जी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आऊँगी मैं अगली रेसिपी के साथ तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज